इस बार के भी लोकसभा चुनाव में हिंदी सिनेमा, साउथ के सिनेमा और भोजपुरी सिनेमा के कई सितारे बड़ी हसरत के साथ अलग अलग पार्टियों से टिकट लेकर संसद जाने का ख्वाब देख रहे हैं। उनका ये ख्वाब पूरा हुआ कि नहीं, ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल अपने ग्लैमर के सहारे फिर से मीडिया की सुर्खियां बनने में सफल हो गए हैं, जिसके लिए वो तरस रहे थे। दक्षिण भारत के सुपरस्टार रहे मुरुथुरु गोपाला रामचंद्रन और नंदमुरी तारक राम रावा ने सियासत की जो बुनियाद रखी, उसी परंपरा को इस बार के चुनाव में सनी देओल, उर्मिला मातोंडकर, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव निरहुआ, रवि किशन और प्रकाश राज जैसे सितारे उतरे हैं। लेकिन एनटी रामराव और एमजीआर की एंट्री और इन सितारों की एंट्री में बहुत बड़ा अंतर है। वो तब राजनीति में आए जब वो सुपरस्टार्स थे, लेकिन ये सितारे तब राजनीति में आए जब इनकी फिल्में नहीं चल रही थी। बीजेपी की टिकट पर सनी देओल ताल ठोक रहे हैं। इसी सीट से कभी इसी पार्टी से दूसरे फिल्म स्टार विनोद खन्ना जीतते थे। ये वही विनोद खन्ना थे जिन्होंने सनी के एक्टर पापा धर्मेंद्र और सौतेली मम्मी हेमा मालिनी को बीजेपी सांसद बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। बहरहाल सनी का पहला मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज सुनील जाखड़ से है। सनी को उम्मीद है कि हिंदुस्तान था, है और रहेगा के नारे और मोदी के चेहरे पर चुनाव जीत जाएंगे। वैसे सनी ऐसे समय में सियासत पे आए हैं जब उनकी फिल्में लगातार पिट रही थी। कुल मिलाकर बॉलीवुड में सनी देओल के लिए लंबे समय से सूखा चल रहा था और ऐसे में सनी को सनसनी मचाने के लिए किसी करिश्मे की जरूरत थी जो उन्हें राजनीति में मिला। राम गोपाल वर्मा की रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर को इस बार पंजे से प्यार हो गया तो राहुल गांधी ने उन्हें मुंबई उत्तर सीट से टिकट दे दिया। वो बीजेपी के उस दिग्गज उम्मीदवार गोपाल शेट्टी को चुनौती देने की हिम्मत दिखा रही हैं जिसने पिछले चुनाव में संजय निरुपम को 4.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया था। खोज, रंगीला और मस्त जैसी कभी हिट फिल्में देने वाली उर्मिला भी खाली ही चल रही थी और पिछले चुनाव के नतीजों को देखकर कांग्रेस को भी ऐसे चेहरे की तलाश थी जो ग्लैमर के दम पर बीजेपी के पहलवान के सामने उतरने की हिम्मत दिखा सके। कभी भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रहे रवि किशन एक बार फिर मैदान में है। ये अलग बात है कि इस बार पार्टी बदल ली है। पिछली बार के चुनाव में ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट लेकर कांग्रेस से लड़ रहे थे लेकिन बुरी तरह से हारे। इस बार 12वीं पास का सर्टिफिकेट लेकर उस गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं जहां कहा जाता है कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। रवि किशन को उम्मीद है कि मोदी योगी के नाम पर इस बार वोटर उनको चाप कर वोट देगा। सन की दरोगा और पंडित जी बताएं ब्याह कब हुई जैसी पॉपुलर फिल्में देने वाली रवि किशन की फिल्में अब उस तरह से नहीं चल पा रही थी। रवि किशन के साथ ही बॉलीवुड में उनके साथी कलाकार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भी आजमगढ़ से बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। दिनेश के गाने और फिल्में एक दौर में खूब चली लेकिन रवि किशन की तरह वो बॉलीवुड में दस्तक नहीं दे पाए। ऊपर से अब खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे और पवन सिंह का बाजार गर्म होने की वजह से उनका धंधा मंदा चल रहा था। मीडिया में छाए रहने का उन्हें बीजेपी ने अच्छा मौका दिया है। जीत गए तो कमाल और हार भी गए तो दिग्गज नेता को पानी पिलाया जैसे टाइटल लेकर घूमेंगे। इन सितारों से अलग बॉलीवुड के विलन प्रकाश राज की एंट्री। उनका राजनीति में आना समझ से बाहर है। वो लगातार अच्छी फिल्में दे रहे थे और 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। वो कमल हासन और रजनीकांत की झिझक को भांप चुके थे और बतौर एक्टर उनके पास इन दोनों अभिनेताओं जैसी ऐसी कोई लेगेसी नहीं थी जिसके खोने का उन्हें डर हो। वो अपने करियर में उतार की ओर थे और ऐसे में उन्होंने सही समय पर राजनीति में छलांग लगाई और बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो गए। इन सितारों के चुनावी मैदान में आने से साफ है कि अगर जीते तो घी मिलाई और हारे भी तो कोई बात नहीं। स्मिता उपाध्याय, लखनऊ।